सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। लंबे चॉप कर लिए हैं, ये देखिए आप खीरा को इस तरह से कट कर लीजिए और इसमें आप जितने चाहें अपना खीरा डाल सकते हैं। खीरा हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उससे ये वेट लूज में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इससे आपका पेट भी थोड़ा भरा रहेगा तो आपको बहुत ही कम भूख लगेगी और ये आपके लिए बहुत हेल्दी ड्रिंक भी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 लेमन के स्लाइसेस, इसका टेस्ट थोड़ा एनहेंस हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिंट लीव्स, ये इसको रिफ्रेशिंग बनाएगी, तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी, आप इसे पूरा फिल कर दीजिए। आपकी डिटॉक्स ड्रिंक बनके तैयार है, आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। इसे मॉर्निंग में बना सकते हैं और फिर ऑफिस ले जाइए और वहाँ जाके आप इसे ड्रिंक कर सकते हैं आपके सोडा की जगह पे, वरना आप इसे रात को भी फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसे रात भर के लिए रख रहे हैं तो आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा या फिर कोई ठंडी जगह पर, ताकि ये ख़राब ना हो और इसमें फंगस ना आए। तो चलिए हमारा ड्रिंक बन के तैयार है। चलिए अब हम अपना दूसरा ड्रिंक बनाते हैं। उसके लिए हमने थोड़ा कच्चा आम लिया है, कच्चा आम गर्मियों के सीज़न में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसके इस तरह के छोटे छोटे स्लाइसेस कर लीजिए और आप इसे इसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मिंट लीव्स, आप चाहें तो इसमें थोड़े से चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, चिया सीड्स प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। हमने इसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था तो देखिए ये अच्छे से फूल गए हैं, तो हम इसमें 1 चम्मच चिया सीड्स ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 2 लेमन के स्लाइसेस। उसके बाद लगभग आधी चम्मच काला नमक और उसके बाद हम इस पर पानी ऐड कर देंगे। कि हमारी डिटॉक्स ड्रिंक बनके तैयार है, ये बहुत ही हेल्दी होती है, कच्चा आम हमें टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है और ये हमें फ़ायदा भी करता है। गर्मियों के मौसम में तो खासतौर से जो कच्चा आम होता है वो हमारी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है, तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए बना के रख लीजिए और आप इसे उसके बाद ड्रिंक कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारी अगली डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं। उसके लिए हम इसमें सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच सौंफ, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 नींबू के स्लाइसेस, कुछ अदरक के पीसेस, मिंट लीव्स और उसके बाद चिया सीड्स। इसमें हम डाल रहे हैं लगभग आधी चम्मच काला नमक और अब हम इसमें पानी भर देंगे। ये डिटॉक्स ड्रिंक बहुत ही फायदेमंद होती है, सौंफ जो है वो सुबह इसमें अच्छे से घुल जाएगी और इसका जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी ये पानी यूज़ कर सकते हैं और वेट लूज के लिए तो ये वरदान है। अब हम इसे पैक कर देते हैं और देखिए दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है ना, और ये हमारे लिए उतनी ही हेल्दी भी है। बीटरूट की डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है 1 ग्लास का जार। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले बीटरूट, देखिए बीटरूट को हमने कुछ इस तरह से कट कर लिया है
और आप भी इसे इस तरह से कट कर लीजिए और सबसे पहले इसे जार में ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप बीटरूट के 7 से 8 पीसेस डाल दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। आप फ्रेश मिंट लीव्स लीजिए, उससे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसमें अच्छे से ऐड कर दीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए सोक करके रख लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो देखिए हमारी बीटरूट की डिटॉक्स ड्रिंक बनके तैयार है। देखिए दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही है और ये उतनी ही हेल्दी भी है। आप इसे भी 2 से 3 घंटे के लिए बना के रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे पी सकते हैं, और चाहें तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बट ध्यान रखें कि अगर आप इसे ओवरनाइट रख रहे हो तो आप इसे किसी ठंडी जगह पर रखिए ताकि जो इसके फ्रूट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और अगर इसके फ्रूट्स काले पड़ने लगे, अगर आपको ऐसा लग रहा हो, तो आप इसे प्लीज़ ड्रिंक नहीं कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फ्रूट्स ख़राब हो गए हों। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।